द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को सलाम और खुशामदीद। आज मेरे साथ शरीके गुफ्तगू हैं अली वारिस साहब। वो लखनऊ में 1945 में पैदा हुए। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीएससी और फिर मास्टर्स की डिग्री ली बायोलॉजी में, और सन था 1969। वहाँ उनकी वालदा फारसी की प्रोफेसर थीं। वहाँ पे उनको अपनी वालदा की एक कोलीग टीचर से इश्क हो गया और वो उनसे 15 साल बड़ी थीं। इस सूरत हाल से निकालने के लिए उनकी फैमिली ने फैसला किया कि उन्हें पाकिस्तान भेज दिया जाए। चुनाचे वो पैन एम की फ्लाइट से 31 दिसंबर 1970 को पाकिस्तान आ गए। कुछ अरसा उन्होंने कराची में और फिर इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाया और 1976 में अमेरिका चले गए। वहाँ उन्होंने बायो मेडिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली और वहाँ भी कुछ बिजनेस किया और कुछ तालीम तदरीस के शोबे से मुंसलिक रहे। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि मशहूर सिंगर तलत महमूद उनके वालिद के कज़न थे। वारिस साहब, ये बताइएगा कि जिस लखनऊ में आप बड़े हुए, वहाँ का माहौल कैसा था? शकील साहब, उस ज़माने में भी बिल्कुल आइडियल तो नहीं था जहाँ तक हिंदू मुस्लिम इंटीग्रिटी का सवाल है, लेकिन लखनऊ में एज सच कभी हिंदू मुस्लिम राइट्स नहीं हुए। उस ज़माने में सबसे ज़्यादा अहमदाबाद और कैलकटा में वगैरह में राइट्स होते थे, और बहुत बड़े राइट्स होते थे, हज़ारों लोग मारे जाते थे दोनों तरफ से। लेकिन लखनऊ में बहुत पीसफुल था, वहाँ शिया सुन्नी राइट्स होते थे लेकिन हिंदू मुस्लिम नहीं होते थे, और स्कूलों वगैरह में भी बड़ी हद तक सेकुलर माहौल था और हिंदू मुस्लिम हार्मनी थी, यकजहती थी। अच्छा, वहाँ पे एक शिया कॉलेज भी है, तो शहर की आबादी कितने फीसद शिया थी, कितनी सुन्नी थी, कितने मुसलमान, कितने हिंदू थे? शिया सुन्नी तो ऑलमोस्ट बराबर थे, 50-50 थे उस जमाने में, और हिंदू भी, हिंदू जाहिर मेजॉरिटी में थे, लेकिन ये कि हिंदू, वहाँ के हिंदू जो थे वो बड़े कहना चाहिए कि बड़े कोऑपरेटिव थे और बड़े वो इंडियन मुस्लिम कल्चर से मुतासिर थे। बहुत से हिंदूज को मैं जानता था कि जो इतनी अच्छी उर्दू बोलते थे कि आप कह नहीं सकते हैं कि ये इनकी मदर टंग उर्दू नहीं है, और बहुत से हिंदू जो थे फारसी भी जानते थे और अपने बच्चों को भी चाहते थे कि फारसी पढ़ें वो, और ये मुस्लिम कल्चर से और मुस्लिम लिटरेचर से वाकिफ हों। अच्छा, आपके वालिद साहब जो थे वो क्या रिलीजियस थे, लिबरल थे? और आपके दादा का भी आपने एक वाकया सुनाया था, उनकी दोस्ती थी एक हिंदू से, वो भी बताइए, बड़ा दिलचस्प वाकया है वो। हाँ, वो मुझे भी अभी तक याद है, और उसे कहानी सुनाने में भी सुनाना भी मैं एंजॉय करता हूँ। वो हमारे दादा जो थे वो होम स्कूल थे, आमतौर से फारसी के उर्दू के अच्छे स्कॉलर थे, लेकिन वो होम स्कूल थे, वो उसमें नहीं गए, मदरसे वगैरह में नहीं गए, और वो बहुत लिबरल थे, खुद भी बहुत लिबरल थे वो। उनके एक दोस्त थे, उनका नाम था मुंशी देवी दयाल, और वो हिंदू थे जाहिर है, और बचपन से उनके साथ खेले हुए थे, 8 साल की उम्र से या 7 साल की उम्र से। और मैं जिस साल मैंने जब उनको देखा था, ये दोनों 70s में थे, मिड 70s में थे, तो उन दोनों में इतना प्यार था कि वो संडे को ज़रूर आते थे और घंटों बैठते थे हमारे मुंशी देवी दयाल। वो इजी चेयर्स होती थी, आमने सामने रख के दोनों बैठ जाते थे, बातें बहुत कम करते थे क्योंकि बातों का स्टॉक ख़त्म हो गया था, सारे लतीफ़े एग्जॉस्ट हो गए थे, कहानियाँ एनेक्डोट्स सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी, तो वो चुपके चाप बैठे रहते थे आँखें बंद किए और एक दूसरे की प्रेजेंस एंजॉय करते थे। मुंशी देवी दयाल जो थे वो
हमारे घर का छुआ हुआ नहीं खाते थे, हमारे घर में पानी तक नहीं पीते थे, अपना पानी साफ लेके आते थे बोतल में और एक छोटे से डिब्बे में अपना खाना भी लाते थे, पूरी कचौरी अचार ये लाते थे तो वो खाते थे खुद। और पान का जो मसला था, उस जमाने में दस्तूर था कि जो भी मेहमान आता था घर से पान बना के दिए जाते थे। हमारी घर में फूफी थी हमारी, वो पान की ग्लोरियाँ बना के उस पर चांदी के कवर के नुकुल बना के और तस्तरी में भेजती थी, लेकिन उनको नहीं पान दिए जाते थे। उनके लिए पान आते थे, एक पान वाला था पड़ोस में, वो हिंदू था तो उसके हाथ के पान वो खाते थे। वो पान वाला जब आता था तो वो उस पर शक करते थे कभी कभी कि ये हिंदू है भी या नहीं, ड्रामा कर रहा है। तो वो एक दो दफा कहते थे अरे तू है भी हिंदू या नहीं, तो कहता था नहीं साहब देखो मेरे चुटैया सर घुमा के, हिंदू मर्द जो होते हैं उनके छोटी सी चोटी होती है पीछे, ये दिखाता था। और फिर अपना जनेब, वो एक धागा ऐसा होता है जो उनके गले में पड़ा होता है हिंदुओं के, उसमें एक दो नॉट्स होती हैं, गिरा होती हैं, एक उस्ताद के लिए किसके लिए मैं भूल रहा हूँ, तो वो दिखाता था। तो फिर वो सेटिस्फाई होते थे कि मुतमईन होते थे कि हाँ ये वाकई हिंदू है। जब कभी वो बिजी होता था पान वाला तो वो नहीं आ सकता था, तो वो हमारा फिर ये था कि वो हमको एक पत्ते में पान बांध के देता था और उस पत्ते में डोरी एक लगी होती थी, तो वो हम डोरी पकड़ के न्यू लंगर की तरह उसको न्यू लेके जाते थे और हाथ नहीं लगा सकते, तो हमें मना करता था कि उस पर हाथ नहीं लगाना, तो वो ले जाके हम मुंशी देवी दयाल को देते थे। तो वो शक की नज़र से देखते थे कि छुआ तो नहीं था ऐसे, नहीं हम कहाँ छुएंगे, ये देखिए पकड़े हुए हैं। तो खैर बहरहाल वो ले लेते थे वो, तो वो हमें बड़ा बुरा लगता था, ये बात बुरी लगती थी कि ये इतने दोस्त हैं हमारी फैमिली के और ये हमारा छुआ भी नहीं खाते हैं। तो एक दिन हमारी फूफी हमारे फादर की बड़ी बहन साथ रहती थी, तो उनसे हमने कहा, क्योंकि बिल्कुल डोमेस्टिक यू नो हाउस वाइफ थी और बुरका ओढ़ती थी, बिल्कुल वो भी होम स्कूल थी, तो उनसे मैंने कहा कि क्या तरीका है भाई कि हम ये हमारे यहाँ पानी तक नहीं पी सकते हैं, पान नहीं खाते हैं और हमको जाना पड़ता है धागे में बांध के, फिर भी शक करते हैं। तो वो उन्होंने ये कहा कि उसका एक रैशनल पेश किया उन्होंने, चले नहीं इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, हम लोग सुअर का गोश्त नहीं खाते हैं, उस हमारे मजहब में मना है, वैसे ही उनके मजहब में मना है कि वो ऐसे आदमी के हाथ का खाना ना खाएं जो गोश्त खाता है। तो हम लोग चूंकि गोश्त खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन हैं, तो हमारी बॉडी में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उनके मजहब में मना है, तो हमारे हाथ का छुआ इसलिए नहीं खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि उनको नफरत है। तो ये उन्होंने जब रैशनल पेश किया तो हम ठंडे पड़े, हमें मतलब समझ में आई बात कि हाँ ये बात इसमें सेंस यू नो सेंस है कुछ और समझ में आने वाली बात है। ये थी वो कहानी। तो उस वक्त मैं ये वो इस कॉन्टेक्स्ट में बताता हूँ ये बात कि इतना ज़्यादा लगाव होने के बाद, अटैचमेंट होने के बाद, 60-70 साल की बहुत दोस्ती होने के बाद भी ये था कि वो अपने मज़हब पे कायम थे और अपनी जो उनके रिस्ट्रिक्शंस थे उसको वो मानते थे, और लेकिन दोस्ती अपनी जगह पे थी और मज़हब अपनी जगह पे था और दोनों एक अंडरस्टैंडिंग पे आ गए थे कि ठीक है तुम अपना मजहब मानो, दोस्ती रहेगी हम लोगों की। अच्छा वारिस साहब, आप मुझे बता रहे थे कि आपके वालिद किसी हद तक रिलीजियस थे लेकिन जी वो रिलीजियस बिगट नहीं थे, तो उसकी जरा नहीं, वो नहीं थे जी। हाँ वो ये था उनका कि वो लिबरल थे बहुत, और वो जब मतलब दिवाली में वो हमारा मोहल्ला जो था वो मुसलमानों का था मोहल्ला, तो वो उसमें वो एक दो हिंदू होते थे वो कभी कभी दिवाली में दिए जलाते थे और मुसलमान नहीं जलाते थे दिए, उनको कोई निकाल के लाए थे कि गुनाह है ये वो हिंदुओं की तकलीद करना, हिंदुओं की नकल करना, लेकिन हमारे फादर जो थे वो दिवाली में कहते थे कि तुम क्यों नहीं, तुम भी रोशनी करो ये वो, तो हम छोटे छोटे दिए ला के रखते थे और वो अपने जो हमारा फेंस था उसके ऊपर लगाते थे ये वो। तो अक्सर लोग जो बड़े कंजर्वेटिव थे मोहल्ले में वो हमें कहते थे कि एडमॉनिश करते थे कि ये गलत है और
क्यों कर रहे हो तुम? तो हम परवाह नहीं करते थे, हम कहते थे अबू से बात करो तुम, फादर से मैं बात करो, और उन्होंने हमें इजाज़त दी हुई है। इसी तरह क्रिसमस में वो हमारे फादर चाहते थे कि हम टाई वाई लगा के घूमें और लोगों को विश करें। तो हमें याद है कि एक दफ़ा हॉस्पिटल में थे वो, और हम जब गए तो उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर्स रूम जो है जहाँ डॉक्टर साहब बैठते हैं वहाँ जाओ, सबको विश करके आओ, क्रिसमस मेरी क्रिसमस कह के आओ। हम बड़ा शर्मा रहे थे क्योंकि 10-15 डॉक्टर वहाँ बैठे हुए थे, तो उन्होंने बहुत सख्ती की कि नहीं ये करना है तुम्हें। तो हम गए, हमने उनसे सबसे कहा मेरी क्रिसमस टू यू, ये कह के फिर हम आए। तो वो उनमें से एक दो डॉक्टर जब आए अब्बू के पास देखने उनको, तो उन्होंने चीज़ बड़ी अप्रिशिएट की, कहा कि ये आए थे, उन्होंने कहा ये। तो इससे मतलब लगता है कि बड़े लिबरल थे, हालांकि नमाजी थे, एक नमाज पढ़ते थे और बहुत सी बातों में वो मतलब को तो बहुत मानते थे वो, कोई उन्होंने गैर मजहबी चीज़ नहीं की। लेकिन उनकी भी ट्रेनिंग कुछ ऐसी हुई थी, लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ा था उन्होंने, लॉयर थे, और लखनऊ यूनिवर्सिटी से उन्होंने BA LLB किया था उस जमाने में। तो ये था, मदर भी हमारी लिबरल थी, मदर हमारी कंजर्वेटिव नहीं थी बिल्कुल। उनकी भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो वो प्रोफेसर थी, उनकी बहुत सी कलीग्स जो थी हिंदू थी, और वो उनके साथ बड़ा उनका मेल जोल था। इसका मतलब है कि आपकी फैमिली जो है वो गंगा जमनी तहजीब पर यकीन रखती थी। तो पाकिस्तान में तो आजकल इसका जिक्र अगर किया भी जाता है तो एक तंज के तौर पर किया जाता है, तो क्या वाकई कोई ऐसी तहजीब एग्जिस्ट करती थी, और कितने फीसद लोग थे जो इसको मानते थे? देखिए, उस वक्त पाकिस्तान इंडिया की आइडेंटिटी जो थी, इंडिया की शनाख्त जो थी, वो मुस्लिम वो गंगा जमुना तहजीब ही थी। और इंडिया में जितना भी लिटरेरी डेवलपमेंट हुआ है, जो कि बहुत ही इस वक्त बहुत काबिल कदर जिसको हम समझते हैं कि वो हमारा एक ट्रेजर है, हमारा ख़जाना है जो मिला हमें, और उसकी बैकबोन गंगा जमुना तहजीब थी। आप देखिए, और दूसरी बात ये कि उर्दू जो है वो हिंदी ही से इवॉल्व हुई है, ये लोग नहीं समझते हैं। पाकिस्तान में तो लोगों को समझाया नहीं गया है, ये बात बताई नहीं गई है। और उर्दू का अगर आप उनसे उर्दू की तारीख पूछें तो वो ये सारी चीज़ें अक्सर स्किप कर जाते हैं। यहाँ का यही एक बड़ा मसला है कि लोगों को इन चीज़ों की तालीम नहीं दी गई, उनको बताया नहीं गया है कि ये उनकी भी हेरिटेज थी। ये गंगा जमुना तहजीब जो है, इस वक्त उर्दू जिस ज़बान में है, जो हमारी नेशनल लैंग्वेज पाकिस्तान में है, ये भी उसका ओरिजिन भी वही था, गंगा जमुना तहजीब। अमीर खुसरो की जो पहली गज़ल थी, जहाल मस्किन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, पिया पी को मैंने देखूँ तो कैसे काटूँ अंधेरी रतिया। ये देखिए आप, इसमें उर्दू के लफ्ज़ भी हैं, हिंदी के हैं, फारसी के हैं। पहली गज़ल थी उर्दू की 750 years ago, 750 साल पहले ये गज़ल कही गई थी, उसमें कितना था। और इसी से फिर उर्दू निकली, उर्दू इवॉल्व हुई इससे। तो अब अगर आप पाकिस्तान में उर्दू की तारीख लिखेंगे तो कैसे इसको भूल सकते हैं, कैसे इसको स्किप कर सकते हैं? और ये कि फिर आप बताइए कि उसके बाद जो डेवलपमेंट होता रहा, आप सारी चीज़ें छोड़ दें, ये तारीख वगैरह, आप बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री जो बॉलीवुड कहलाती है बेवकूफ़ी में अपनी, तो वो अपना उसमें जो डेवलपमेंट हुआ है उसकी जो लिटरेरी वैल्यू है उसकी बहुत ज़्यादा है। उसमें जो पूरा कंट्रीब्यूशन जो है वो हिंदुओं मुसलमानों दोनों का है बराबर से, और इतना खूबसूरत उसका समझिए कि वो इंडस्ट्री बन गई इस वजह से, गंगा जमुना तहजीब की वजह से, कि आज तक अभी तक वही गाने गाए जाते हैं इंडिया में जो हमारे बचपन के गाने थे, और उसी ज़माने के गाने, यू नो 50s से लेके और 70s तक late 60s तक वही गाने गाए जाते हैं, वही फिल्में देखी जाती हैं। दोनों में आप देखिए कि दोनों का, हिंदू मुस्लिम मुसलमानों दोनों का बराबर से कंट्रीब्यूशन है, चाहे वो नौशाद हो, मोहम्मद रफ़ी हो, तलत महमूद हो, या लता मंगेशकर हो, सब देखिए दोनों आपको मिलेंगे, हिंदू मुस्लिम बराबर से मिलेंगे। हेमंत कुमार, मन्ना डे, मुकेश,
ये बराबर से बिल्कुल हैं दोनों। म्यूजिक डायरेक्टर्स में ऐसी आप देख लीजिए, नौशाद थे और अनिल विश्वास थे और शंकर जयकिशन और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, ये सारे लोग। पोएट्स में देख लीजिए, पोएट्स में जो उर्दू के सारे गाने उर्दू के, लगता था कि ये उर्दू लिटरेचर का कोई हिस्सा। मैं तो यही कहता था कि इनकी इतनी लिटरेरी वैल्यू है कि इनको फिल्मी गानों को प्रिस्क्राइब करना चाहिए कोर्स में, इतनी लिटरेरी वैल्यू है। और वो बड़े पॉपुलर हुए, उर्दू का जो उर्दू इंडिया में उर्दू का सर्वाइवल हुआ वो इन गानों की वजह से हुआ। जो गीत लिखे गए उसमें शैलेंद्र थे, उसमें कितने हिंदू गुलजार हैं अभी, और कितने हिंदू पोएट्स थे जिनका जिनका बहुत ही हैवी कंट्रीब्यूशन है इस खूबसूरती में। आप देखिए, आप मैं आपको बताऊं कि मैं सोचता हूं कि कैसे कोई जिसकी मदर टंग उर्दू नहीं है, जैसे शैलेंद्र थे, मैं नहीं समझता हूं कि उनकी मदर टंग उर्दू थी, लेकिन उस ज़माने में उन्होंने अर्ली फिफ्टीज़ में 53 या 54 का ये मधुमति का गाना था कि अभी याद आता है कि गुल नहीं खिले कि तेरा इंतज़ार है। ये कैसे आप लिख सकते हैं जबकि आपकी मदर टंग उर्दू नहीं है, लेकिन लिखते थे ये लोग, लिखते थे इतना, ये खुद यू नो उर्दू में मास्टर थे और उर्दू इतनी अच्छी इनको आती थी, लिखते थे। ये गंगा जमुना तहजीब का वो था, देन है ये। अब जो वहाँ पे ये चीज़ें बदल रही हैं और ये कि मुस्लिम कल्चर हम निकाल दें, ये कर दें वो कर दें, तो कितना बड़ा प्राइस पे करेंगे ये इनकी समझ में नहीं आता है। और जो बहुत ही फिनेटिक हिंदू हैं वो ये चीज़ें वो ही नहीं सोचते हैं कि कितना बड़ा लॉस है, ये कितना बड़ा लॉस होगा ये सोचें एक मिनट बैठ के। और मुसलमान भी ऐसी सोचें, पाकिस्तान में मुसलमान अगर हैं इनको भी यही सोचना चाहिए कि ये देन थी गंगा जमुना तहजीब की, जो कि पाकिस्तान में को नहीं मिली ये, और पाकिस्तान कितना बैकवर्ड रह गया इसकी वजह से। अच्छा सर, हमारे यहाँ गंगा जमुना तहजीब की बात इसलिए भी नहीं शायद की जाती कि इससे टू नेशन थ्योरी पे फर्क पड़ता है, उस लोगों को लगता है कि उसकी टू नेशन थ्योरी की नेगेशन हो जाती है इससे, इस वजह से भी लोगों को इस बारे में नहीं बताया जाता। नहीं, टू नेशन थ्योरी जो है वो देखिए, मैं जब पार्टीशन के वक्त मैं तो 2 साल का था, लेकिन मैं जब से मुझे होश आया मैं आजीज आ गया हूँ ये इंडिया पाकिस्तान के मुसीबत से, कि ये इंडिया है ये पाकिस्तान है, ये लड़ाई हो रही वो लड़ाई हो रही, कभी नॉर्मल हालात हुए नहीं इनके। और मैं यही सोचता था कि कितना बड़ा नुकसान है दोनों मुल्कों के लिए। लखनऊ में जब पढ़ रहे थे तो उस वक्त जो हम लोगों की जो सेकुलर नेचर था लखनऊ का, और हमारे जो दोस्त थे हिंदू मुस्लिम, हम लोग जो दोस्त थे हमें पता ही नहीं चलता था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, मतलब नाम से तो मालूम तो होता था लेकिन जब उनके घर जाते थे उनसे मिलते थे तो बिल्कुल याद नहीं होता था कि ये हिंदू हैं या हम हिंदू के घर आए हुए हैं। उनके माँ बाप को हम माता पिता जैसे जो भी वो कहते थे, दोस्त हमारे वो कहते थे पिताजी या माता जी इस तरह से, या वो हम यहीं आते थे अम्मी अब्बू कहते थे हमारे पेरेंट्स को, और उनके हम खाते थे पीते थे। और ये दोस्ती अभी तक थी, अभी 1-2 साल पहले तक जब तक ये लोग जिंदा रहे वो रही, और इतनी ज़्यादा दोस्ती थी कि हम लोग बगैर एक दूसरे को कॉल किए रह नहीं सकते थे। अमेरिका से भी हम हर महीने में 1-2 दफ़ा ज़रूर इन दोस्तों को कॉल करते थे, और ये भी हमें कॉल करते थे, बड़ी लंबी लंबी बातें होती थी। तो और हम इंडिया जाते थे तो दिन भर इनके साथ थे, तो कोई इस तरह की बात नहीं होती थी कि कोई डिस्क्रिमिनेशन या कुछ नहीं। हालांकि हम यहाँ आ चुके थे पाकिस्तान में और मतलब यहाँ की जो माहौल था उस ज़माने में और इंडिया का जो माहौल हो गया, दोनों से हमको बहुत अफसोस होता था कि किस तरह के लोग हैं ये जो एक दूसरे से नफरत करते हैं मज़हब की बिना पे, जबकि ये कोई बात ही नहीं थी। और चीज़ों पे करो जो करना है तुम्हें, अगर करना ही है लेकिन मज़हब के ऊपर क्यों करते हो। और हम बताएं आपको कि हम जब इंडिया में थे अगर हमसे कोई कहता कि तुम हिंदू हो जाओ तो हम बिल्कुल कह देते हम बिल्कुल नहीं होंगे, क्यों हिंदू हो, हम अपने मज़हब पे इतना प्राउड हैं, मज़हब की हिस्ट्री पे,
और हमने ये किया है वो किया, मैं मतलब ने 650 साल यू नो ऑटोमन एम्पायर में हुकूमत की है, इसी मजहब के मानने वालों ने ये किया वो किया, और इतना साइंस में इनका इतना कंट्रीब्यूशन था, यू नो 300 साल इनकी डोमिनेंस थी साइंस पे, ये इन्वेंशंस थी, इतना प्राउड थे हम, भले ही हम नमाज ना पढ़ें रोजे ना रखें लेकिन हमारा जो कल्चर था उसके ऊपर हम बहुत प्राउड थे, और आज भी हैं, आज भी हैं। और लेकिन और हिंदू अगर हम होते, हम मुसलमान हिंदू होते, हमसे कोई कहता मुसलमान हो जाए तो हम कहते हैं क्यों हो जाएं, हिंदू हिंदुइज्म का इतना कंट्रीब्यूशन है, इंटेलेक्चुअल कंट्रीब्यूशन इतना है, इतना बड़ा मजहब है ये, इतना इतनी डेप्थ है इसमें, और जो इनकी फिलॉसफी अगर किसी ने पढ़ी है तो वो इतनी खूबसूरती है उसमें, तो क्यों हो जाए मुसलमान, हमारा मजहब जो है वो इतना खूबसूरत है, हम यही कहते हैं कि हिंदुइज्म तो इतना खूबसूरत है तो हम इसको क्यों छोड़ दें। ठीक है हम हिंदू हैं तो आप हिंदू रहेंगे, आप मुसलमान हैं मुसलमान रहिए, दोनों मजहब बड़े खूबसूरत हैं, और क्रिश्चियन हैं तो क्रिश्चियन रहिए, क्रिश्चियंस का भी कितना कंट्रीब्यूशन है एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, हॉस्पिटल्स में, ये सब इतना इनका कंट्रीब्यूशन है, और वो और साफ सुथरे लोग हैं, बिल्कुल साफ सुथरे, तो वो क्यों हम अगर क्रिश्चियन हैं तो क्यों हिंदू हो जाए या मुसलमान हो जाए, ये सिख हैं अगर हम सिख हैं तो हम क्यों हो जाए हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन क्यों हो जाए, सिख सिखिज्म इतना खूबसूरत मजहब है, इतने प्रोफेशनल्स होते हैं ये लोग, और इतना इनका कंट्रीब्यूशन है, आइडियल आइडियल लोग हैं सिख जो हैं। आप देखिए आपने बहुत कम सिखों को शायद भीख मांगते देखा, कभी आप इंडिया जाइए आपको सारे लोग भीख मांगते मिलेंगे हिंदू मुसलमान सब, लेकिन सिख आपको नहीं मिलेगा, मुझे तो मेरे जमाने में तो कोई नहीं था, आपको कितने सिख जेल में मिलेंगे, शायद ही कोई सिख गया, इनकी इतनी अच्छी ट्रेनिंग घर होती है, इनके लीडर जो हैं, हालांकि बड़ा नया मजहब है दोनों मजहबों के मुकाबले में, क्रिश्चियनिटी और जुडाइज्म और इस्लाम के मुकाबले में बहुत रीसेंट है मजहब, लेकिन इतनी अच्छी इनकी ग्राउंडिंग हुई है, इतना अच्छा इनको ट्रेन किया गया, और इतना ये प्राउड है अपने मजहब के पगड़ी बांधते हैं अभी तक बगैर किसी हेजिटेशन के, बगैर किसी एम्बेरसमेंट के, कुछ नहीं, लोग मजाक उड़ाते हैं उनके जोक्स हैं सब कुछ हैं, लेकिन ये कि वो अपने मजहब के लिए हैं, और बड़े एथिकल, बहुत एथिकल प्रोफेशनल, आप बढ़ई ले लें कोई, बढ़ाई अगर होगा कारपेंटर होगा तो बेहतरीन आपको फर्नीचर बना के देगा, आपको प्रोफेसर होगा सिख तो वो बेहतरीन आपको पढ़ाएगा। मैं ये कह रहा था कि इंडिया में जितने मजहब हैं, जैन हैं वो देखिए उनका जो मजहब है वो कहते हैं आप इंसेक्ट तक नहीं मारें, कीड़े नहीं मारें, बैक्टीरिया जो आप इनहेल करते हैं इनको भी नहीं मारें, इतना ज़्यादा नॉन वायलेंस और इतना ज़्यादा वो एथिकल हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इंडिया के जितने मजहब हैं बहुत खूबसूरत है, हर मजहब अपनी जगह पे खूबसूरत है, तो किसी को ज़रूरत नहीं है कि वो किसी दूसरे मजहब में बदले, क्योंकि हर मजहब में प्राउड होने के लिए, फख्र करने के लिए बहुत कुछ मौजूद है, जिसके जिसको बेस बना के आप अपने मजहब पर जमे रहिए, बस ये है कि आप दूसरे मजहब को भी देखें कि उनकी भी क्या हिस्ट्री है, और उन वो भी क्यों इतना प्राउड हैं अपने मजहब के लिए, उसको समझिए आप। सारी बात शकील साहब एजुकेशन की है कि दोनों मुल्कों में ज़रूरत है एजुकेशन की, बहुत ज़्यादा लोगों को ट्रेन करना और उनको समझाना, और ये नहीं होता है, हमारे यहाँ तो पॉलिटिशियन जो हैं वो एक्सप्लॉयट करके बैकवर्ड लोगों को, जाहिल लोगों को अपना वोट लेते हैं और उनको एक्सप्लॉयट करते हैं, वरना ये कि मैं तो दोनों मुल्कों में रह चुका हूँ, इंडिया में भी पाकिस्तान में, और अब पिछले 40-45 साल से मैं अमेरिका में हूँ, और मुझे तो बड़ी अजीब बात लगती है दोनों को मजहब पे लड़ने के लिए। अमेरिका में भी बहुत कुछ ऐसी बातें हुई कि दूसरी कौमों के साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, ब्लैक्स के साथ जो किया उन्होंने, बहुत ही शर्मनाक बात थी, लेकिन मजहब के ऊपर इतना नहीं हुआ वहाँ के मजहब के लोगों को, हैं मतलब वहाँ भी मजहबी फनाटिक्स हैं, लेकिन इंडिया में तो हद हो गई है, हद हो गई है, इंडिया पाकिस्तान दोनों में हद हो गई है। अच्छा सर, जी कहिए। पाकिस्तान में सर कुछ लोग ओपनली और कुछ लोग जो हैं वो बगैर कहे इस बात में यकीन रखते हैं कि इंडिया से नफरत किए बगैर पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता,
तो इन लोगों को इस चीज का एहसास होना चाहिए कि आप कितनी देर तक नफरत का कारोबार जारी रख सकते हैं। और उस सिलसिले में बात की जाती है कि इंडिया जो है ना वो अखंड भारत करना चाहता है, अखंड भारत बनाना चाहता है। हालांकि खुद पंडित नेहरू ने इसकी तरदीद की और मोर रिसेंटली मोदी साहब ने 2012 में, एक इंडियन मुस्लिम है, पॉलिटिशियन भी हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, शाहिद सिद्दीकी, उनको इंटरव्यू देते हुए इसकी तरदीद की कि वो अखंड भारत चाहते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं इंडिया के जो मौजूदा बॉर्डर हैं उनके साथ खुश हूँ, और ये अखंड भारत जो है ना ये तुम मुसलमानों की कोई साजिश होगी, क्योंकि अगर अखंड भारत हो गया तो इंडिया विल इवेंचुअली बिकम अ मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। लेकिन अभी भी पाकिस्तान में ऐसे लोग जो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं चाहते, वो अखंड भारत का हवा खड़ा करते रहते हैं। नहीं, अगर अखंड भारत हो भी गया तो मुस्लिम की मेजॉरिटी नहीं होगी इंडिया में, दोनों पॉपुलेशन मिला के भी मेजॉरिटी में नहीं होंगे। लेकिन बहरहाल इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि इतने ज्यादा मुस्लिम्स के भी इतने मसाइल हैं, हो गए हैं। अगर नहीं हुआ होता पार्टीशन तो दूसरी बात थी, और ये बात तय करना कि पार्टीशन होता तो वो अच्छी बात थी या नहीं होता, मुसलमानों के लिए क्या अच्छा था, हिंदुओं के लिए क्या अच्छा था, ये नामुमकिन है ये सवाल का जवाब देना, क्योंकि इतनी चीजें, इतने इंटरवेनिंग फैक्टर्स हैं और इतनी चीजें बदल गई हैं। अब ये कहना कि अगर ये होता तो ये होता, फिर वो बाकी चीज़ों का आप कंसीडर नहीं करें, तो ये चीज़ें बिल्कुल नामुमकिन। और जो भी ये बहस करता है उसके पास बहुत टाइम है फजूल अपना टाइम वेस्ट करने का। ये वैसा ही है कि खुदा है या नहीं है, हम मतलब ये कि तो ये उसी तरह की बहस है, इसका कोई जवाब नहीं है, कोई सलूशन नहीं है। तो मैं तो इस तरह की बहस हो रही होती है कि पार्टीशन अच्छा हुआ या बुरा हुआ, वहाँ से उठ जाता हूँ, क्योंकि इसका जवाब ही नहीं है, कोई जवाब नहीं है कोई। और मैं मतलब पाकिस्तान जब नहीं आया था, इंडिया में था, तो मुझे पाकिस्तान के बारे में कुछ नहीं मालूम था, मैं बड़ा पक्का इंडियन नेशनल था, और पाकिस्तान से मुझे कोई नफरत भी नहीं थी, क्योंकि मैंने बताया कि मैं बचपन जब से आँख खुली दोनों मुल्कों के झगड़ों से मुझे बड़ी चिढ़ थी, और मुझे तो बिल्कुल मेरी बात समझ नहीं आती। लेकिन पाकिस्तान के बारे में मुझे मालूम नहीं था कि क्या है, यही सुनते थे जो लोग प्रोपेगेंडा होता था इंडिया में, वो सुनते थे। लेकिन जब मैं पाकिस्तान आया तो मुझे पाकिस्तान बहुत अच्छा लगा। अभी भी जब मैं इंडिया जाता हूँ या इंडिया से मुझे अब भी इतना ही प्यार है जितना उस वक्त था, जिस वक्त मैं था वहाँ पे, और पाकिस्तान से भी बहुत प्यार है। और जब मैं पाकिस्तान में भी यही मैं चाहता हूँ कि ये दोनों मुल्कों का कुछ किसी तरह से सोल्यूशन हो जाए। यहाँ मैं पाकिस्तानियों से यही कहता हूँ कि तुम इंडिया जाके तो देखो, और इसी तरह मैं इंडियन से कहता हूँ, हिंदुओं से कहता हूँ, तुम आके तो देखो। बहुत से हिंदुओं को मैं बुलाना चाहता हूँ, वो आना भी चाहते हैं, और मैं उनको यहाँ बुलाना चाहता हूँ, इन्वाइट करना चाहता हूँ, उन्हें देखें वो कि पाकिस्तानी कैसे हैं, कितने अच्छे लोग। अच्छा सर, अलीगढ़ की बात हम थोड़ी सी कर लें। तो जब आप अलीगढ़ में पढ़ रहे थे 1960s में, बीएससी की आपने, फिर एमएससी की, जी, तो उस वक्त आपके रोल मॉडल्स और हीरोज कौन थे? देखिए, रोल मॉडल तो बहुत थे हमारे, हमें तो हैरत ये है कि एक मुल्क में इतने रोल मॉडल हो सकते हैं फॉर्मेटिव ईयर्स में, बच्चों के, लड़कों के, लड़कियों के। एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लोग थे जो हमारे टीचर्स थे, बहुत ही वेल रेड, बड़े हाईली एजुकेटेड, कल्टिवेटेड पर्सनालिटीज उनकी, और बड़े अच्छे लोग। और उनमें से हमारे कुछ लोग बड़े आइडियल थे कहना चाहिए, जैसे आले अहमद सुरूर थे, डॉक्टर मुनीस रजा थे, इरफान हबीब थे जो अभी भी जिंदा हैं, हयात हैं, बहुत बड़े स्कॉलर, वो हिस्टोरियन। डॉक्टर नूरुल हसन थे, वो भी हिस्टोरियन थे, बहुत बड़े स्कॉलर थे। इन लोगों के साथ एक मसला ये था जो हमें नहीं पसंद था कि सब कम्युनिस्ट थे, सब कम्युनिस्ट थे। कम्युनिस्ट का मतलब ये एथीस्ट अगर हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये मार्क्सिज्म और ये हमारी समझ ही में नहीं आया, ना उस वक्त समझ में आया ना अब समझ में आया कि मार्क्सिज्म ये जो भी थे। लेकिन ये लोग बड़े स्ट्रॉन्ग मार्क्सिस्ट थे, डॉक्टर मुनीस रजा भी थे, आले अहमद सुरूर भी थे,
और डॉक्टर नूरुल हसन थे, डॉक्टर रईस अहमद थे, ये सब लोग हमारे आइडियल थे, लेकिन ये कम्युनिस्ट थे, उससे हम एग्री नहीं करते थे उनसे। और दूसरी तरफ कुछ मुस्लिम फनाटिक भी थे, उनमें भी हम फिट नहीं होते थे। तो ज़्यादातर अक्सर हम बहुत ही अनकंफर्टेबल रहे अपने 8 साल अलीगढ़ के उसमें। लेकिन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है उसमें भी कुछ ऐसा ही माहौल था, उसमें भी बहुत बड़े फनाटिक लोग थे, अभी भी हैं। अभी आपने पढ़ा होगा कि संस्कृत का स्कॉलर मुसलमान था, उसका अपॉइंटमेंट नहीं होने दिया उन्होंने कि मुसलमान को हम संस्कृत का प्रोफेसर कैसे बना दें, बड़ा उसके ऊपर झगड़ा हुआ, सब कुछ नहीं होने दिया। तो वहाँ भी इस तरह के लोग हैं जो कि यू नो फनाटिक हैं, उस यूनिवर्सिटी में भी, यहाँ भी। हालांकि दोनों यूनिवर्सिटीज़ का ये मकसद नहीं था, न बनारस यूनिवर्सिटी का ये मकसद था कि वो फनाटिक हिंदू बनाए, ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का था। तो लेकिन बहरहाल वो आ जाते हैं, अपनी उनकी थिंकिंग होती है, फिर यूनिवर्सिटी का कोई कंट्रोल नहीं होता, एकेडमिया का कोई कंट्रोल उन पर नहीं होता। तो ये है हुजूर। तो उस वक्त जो पॉलिटिकल हीरोज थे आपके, वो कौन थे? हाँ, पॉलिटिकल हीरोज में तो बहुत थे, वो भी बहुत थे। जेपी नारायण थे, जयप्रकाश नारायण, सुभद्रा जोशी थी, पंडित नेहरू सबसे बड़े थे। मतलब पंडित नेहरू को तो हम होश संभालने के बाद से बहुत आइडियलाइज करते थे, बड़ा प्यार करते थे उनसे। उनको बचपन में हम खत भी लिखा करते थे कि हमारे घर में बकरी पली है, ये है, वो जवाब देते थे, सबको जवाब देते थे। कभी उनका सेक्रेटरी जवाब दे देता था, टाइप किया हुआ आता था, लेकिन उनके नीचे सिग्नेचर्स होते थे। और वो तो उनका, नेहरू का तो बच्चों से बड़ा एसोसिएशन था, बड़ा यू नो उनका जो, उनकी जो बर्थडे होती थी वो बच्चों का दिन होता था। और वो जब मरे तो हमें तो लगता था कि पर्सनल लॉस बहुत बड़ा हुआ है। 64 में हम 19 साल के थे उस वक्त, तो बहुत ही हमें दुख था इस बात का। और उसके बाद फिर जेपी नारायण थे, उनके उनके भी बातें सुनते रहते थे बड़ा। गुलजारी लाल नंदा थे हमारे, जो सबसे बड़ी जो चीज़ थे आचार्य विनोबा भावे थे। आचार्य विनोबा भावे के बारे में कोई नहीं जानता होगा शायद पाकिस्तान में, या बहुत कम लोग जानते होंगे। इस तरह के लोग होना चाहिए। अब सोचिए कि वो शख्स अगर पाकिस्तान में होता, और वैसे बाय द वे गांधी बहुत बड़े हमारे आइडियल थे, गांधी बहुत बड़े आइडियल थे। तो और ये सब लोग गांधी फॉलोवर्स में से थे, ये जिनके नाम हमने लिए अभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में भी और बाहर भी, ये जेपी नारायण, गुलजारी लाल नंदा, नेहरू खुद बहुत बड़े फॉलोवर थे गांधी के। तो ये बहरहाल मैं विनोबा भावे की बात कर रहा हूँ। विनोबा भावे जो थे वो, उनकी एक स्कीम थी जिसको हिंदी में योजना कहते हैं, पद यात्रा। पद यात्रा माने, पद माने पैर के होते हैं, यात्रा माने टू ट्रैवल, तो पैर से जो आप ट्रैवल करें, पद यात्रा। और वो भूमि भूदान की थी, भू माने ज़मीन के होते हैं, दान माने डोनेशन, तो ज़मीन का डोनेशन। तो उनकी ये प्रैक्टिस थी कि वो जाते थे बहुत बड़ा ग्रुप लेके, सैकड़ों लोग उनके फॉलोअर्स थे, वो ये नंगे पाँव जाते थे, बगैर जूते पहने, ऐसे पैरों जाते, पैर चल के आते। सिंपलिसिटी इंडिया की तो उस वक्त यू नो ट्रेडमार्क था इंडिया की, सिंपलिसिटी। तो ये जाते थे ऐसी अपना धोती कुर्ता पहने हुए, और बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो होते थे वो बड़े लंबे लंबे डिस्टेंसेस ट्रैवल करते थे ऑन फुट, यू नो। तो जैसे आपके पास पहुंचे भाई शकील चौधरी साहब, आप बहुत बड़े जमींदार हैं, लैंडलॉर्ड हैं, आपकी कितने एकड़ ज़मीन है? आप कहेंगे कि हमारी तो 200 एकड़ है या 1000 एकड़ है। तो कहेंगे इतनी क्या करेंगे आप, इतनी क्या करेंगे, थोड़ी सी ये जो किसान आपकी ज़मीन पे बैल चला रहा है इसको दे दें। तो अब शकील चौधरी साहब सोच रहे हैं कि यार ये इतना बड़ा आदमी आया है और इसके पीछे सैकड़ों लोग आए हैं और ये अखबार की हेडलाइंस में आ गया है, अब अगर मैं नहीं देता हूँ तो बड़ी एम्बैरसिंग बात होगी, पब्लिक क्या कहेगी मुझे, और मैं तो बहुत ही, तो वो कहते हैं अच्छा अच्छा ये हम दिए देते हैं। इस तरह से वो आपसे ज़मीन लेके वो कहते हैं जी आप लिखवा दीजिए अपना किसान के नाम जो आपके घर पर चला रहा है। तो यही ये जो थी, उन्होंने हजारों एकड़ ज़मीन जो है इंडिया में वो गरीबों को दी, किसानों को दी। तो ये जो
जयप्रकाश नारायण का भी ये था। जयप्रकाश नारायण भी तो इस तहरीक का हिस्सा बन गए थे ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इनका जयप्रकाश नारायण हिस्सा थे और इस तरह की चीजों में लोग बड़ा एक दूसरे को एमुलेट करते थे, बड़ा फॉलो करते थे और उसमें शामिल हो जाते थे, क्योंकि अगर कोई अपना सिंसियर है और सेल्फलेस है तो फिर वो उसमें शामिल हो जाते थे, वो एक ग्रुप बन जाता था, एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाता था। और ये उस जमाने में जब ये गांधीयन फिलॉसफी के लोग फॉलोवर्स थे, उन्होंने बहुत बड़ा एक समझिए के ग्रुप बनाया था जिससे मुल्क को बहुत फायदा हुआ। लाल बहादुर शास्त्री थे, लाल बहादुर शास्त्री भी ऐसे ही थे। हमने आपसे एक दफ़ा जिक्र किया था कि जब प्राइम मिनिस्टर, पहले रेलवे मिनिस्टर थे तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। ये बातें बड़ी आम हैं यहाँ पाकिस्तान में, शायद नहीं मालूम है लोगों को, लेकिन इंडिया में बहुत आम है ये बात, हर एक को मालूम है। उस जनरेशन के जो रेलवे मिनिस्टर थे, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, कहा अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी थी तो ये मेरा फेलियर है, तो मैं नहीं रह सकता हूँ यहाँ। हालांकि ऐसा नहीं कि उसके बाद उनको कोई बहुत बड़ी चीज रकम मिल गई या उनका कोई बिजनेस था, कुछ नहीं था, उनके पास खाने को नहीं था। उसके बाद उनकी बीवी उनको, जब उनके जॉबलेस हो गए, वो तो 200 रुपये महीना देती थी, तो उनका कुछ पॉकेट मनी तो उनका वो गुजर होता था उसके पर। तो इस तरह के लोग थे। जब वो प्राइम मिनिस्टर हुए तो वो प्राइम मिनिस्टर रेजिडेंस में तीन मूर्ति जो है उसमें नहीं गए वो, बल्कि अपने वो शायद 10 जनपथ रोड या कुछ ऐसी था जो उनका अपना घर था, उसमें रहे वो। और उनके प्राइम मिनिस्टर जब वो, तो उनके बड़ा बेटा जो हरी, उसका शायद नाम था जहाँ तक मुझे याद है, हरी शास्त्री, उसको किसी वो ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता था, तो उन लोगों ने प्रमोट कर दिया। तो वो बहुत चौंके शास्त्री जी कि ये क्या हुआ कि इसको प्रमोट कर दिया। तो उन्होंने उससे कहा तुम रिज़ाइन करो, क्योंकि तुम्हें प्रमोट इसलिए किया है कि ये तुमसे कोई फ़ायदा उठाएंगे हमारे थ्रू, तो ये इनको तुम ये नहीं उनको समझने दो और तुम इस्तीफ़ा दे दो। तो उसने इस्तीफ़ा दे दिया। ये बातें अखबारात में आती थी, रोज़ के अखबार में आती थी कि ये हुआ ये हुआ। तो ये इतने ये इंटेग्रिटी के लोग थे कि जो सेल्फलेस थे। गुजारी लाल नंदा थे, प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे, लेकिन जब वो ओल्ड एज में उनके पास रहने को घर नहीं था, अपनी बेटी के साथ रहते थे, जो कि बेटी के साथ रहना बहुत बुरा समझा जाता है हिंदुओं में। हिंदू तो बेटे के घर का पानी भी नहीं पीते हैं, अपना पानी लेके जाते हैं, बेटे के घर का पानी भी नहीं पीते हैं। तो वो बहरहाल उनको रहना पड़ा और वहीं से दवा इलाज भी उनका होता था, उनके पास एक पैसा भी नहीं था। ये इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ये, वो कितने लोग थे इंडिया में उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर, और मुल्कों में आप देखिए लोग ग्रैब करते हैं प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, जान दिए देते हैं, और उनको मिली प्राइम मिनिस्टरशिप उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। साउथ इंडिया के कितने लोग थे, उनको ऑफर हुई शास्त्री के बाद, उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं हमें अंग्रेजी नहीं आती ठीक। और अपने सोनिया गांधी ने रिफ्यूज किया था, आपको याद होगा कि आपके बिचन साल हुए तो। लेकिन और किसी मुल्क में आपने नहीं सुना होगा कि लोग, चाहे वो यूरोप में किसी मुल्क में हो, चाहे अमेरिका में हो, कि लोग अपना नेशनल लीडर हो कोई, उसको प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंटशिप कोई रिफ्यूज कर दे, ऐसा नहीं होता, इंडिया में होता है। तो ये चीज़ें हैं, ये इंडिया की ट्रेनिंग है, ये उनका कल्चर है। जी वारे साहब, आपने लाल बहादुर शास्त्री की बात की, तो मैंने कहीं ये पढ़ा कि बचपन में उनके वालिद फौत हो गए थे और उनका स्कूल जो था वो घर से 8 मील दूर था, और दरमियान में गंगा रिवर पड़ता था, तो जी वो बोट वाले को 2 पैसे देने पड़ते थे जाने के और 2 आने के। तो उनके नहीं होते थे। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं अपने वालदैन पे, अपनी वालदा पे ये बोझ नहीं डालूंगा, और उन्होंने तैरना सीखा। अब आप इमेजिन कीजिए कि दिसंबर में आप स्कूल जा रहे हैं, 8 मील का फासला भी है और बीच में से गंगा रिवर भी आपने स्विम करके जो है वो जाना है। तो इतनी जबरदस्त ये स्टोरी मुझे लगी उनकी।